नंबर वार्ड के कांग्रेस के लड़ाकू नेता राजीव सेना ने बीजेपी को ज्वाइन किया तकरीबन अपने 350 हामियों के साथ। राजीव सेना ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी के तरक्की पसंद नज़रिए की तारीफ की। आइए उनकी बातें को सुनते हैं। राजीव जी, आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, अब बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया? देखिए, कहीं ना कहीं आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी और अनुशासन की कमी पार्टी को आज गर्द में ले गई है। कुछ मौका परस्त और कुछ लालची नेताओं के वजह से ये राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और बुजदिली के दो बुरे दौर से गुजर रही है इसी कारण से। और हमने सोचा कि जितने हमारे साथ में कार्यकर्ता थे और हमने 2-3 महीने का समय लिया, गहन चिंतन किया, तो हमें लगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष जी के साथ हम लोग हाथ पकड़ के बीजेपी का झंडा थाम के ही समाज और देश के लिए कुछ विकास का काम कर सकते हैं। हम जहाँ भी जिस भी दल में पहले भी थे वहाँ भी हम लगन से ही हमने काम की है पूरी ईमानदारी से। अब यहाँ भी हमारी चेष्टा यही रहेगी कि पूरी लगन और ईमानदारी से हम एक कार्यकर्ता की तरह रहें और एक अच्छे लड़ाकू कार्यकर्ता की तरह हम पार्टी को आगे ले जाएं। धन्यवाद।